Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. First topic is deformity in solids. Deformity किसे कहते हैं? शकल तब्दील होना जाना, शकल बिगड़ जाना, शकल खराब हो जाना, that is deformity. देखो, हमने पढ़ा था कि effect of pressure on various substances. Gases can easily be compressed. गैस को आराम से कंप्रेस किया जा सकता है बिकॉज गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. गैसेस आराम से कंप्रेस हो जा सकते हैं, आराम से दब सकते हैं. लिक्विड्स को भी कंप्रेस किया जाता है, लेकिन लिक्विड्स कंप्रेस होते हैं बट टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट. थोड़ा सा कंप्रेस होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते वो, ठीक है, बट कंप्रेस होते हैं वो. कंप्रेशन ऑफ लिक्विड पर हमने बहुत सारे एप्लीकेशन भी मैट्रिक फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, जैसे आपका उसमें हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये सब तो प्रेशर ऑफ लिक्विड पे भी डील करता है ना. जैसे टैंकर वगैरह में ब्रेक लगा होता है, प्रेशर ब्रेक, हाइड्रोलिक, तो जस गैसेस की आवाज़ आती है जैसे वो ब्रेक लगाते हैं उसके अंदर, तो वो जो है वो कंप्रेशन ऑफ लिक्विड भी डील करता है. तो लिक्विड्स को भी जो है वो क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है एक हद तक, एक कम थोड़ा सा, बट सॉलिड्स कैन नेवर बी कंप्रेस्ड. सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता ही नहीं है. जब इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा ही नहीं तो फिर हम उसको कैसे कंप्रेस करेंगे, नामुमकिन उसको कंप्रेस करना, ठीक है, तो वो जगह ही नहीं है. हाँ, अगर आप हद से ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाओ, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो है वो लेके ये बोर्ड, ये जो है वो आपके पास डेस्क है, इस डेस्क पर अगर हम क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं, तो फिर ये डेस्क है और इस डेस्क पर हम जो है फोर्स लगाते हैं तो एक हद तक फोर्स लगाएंगे तो ये दबेगा नहीं, लेकिन और फोर्स लगाओ किसी भी तरह पर नहीं दबेगा. लेकिन एक हालत ऐसा है कि बहुत फोर्स लगाने पर, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने पर ये टूट जाएगा. इसी को हम कहते हैं डिफॉर्मिटी इन सॉलिड्स, के सॉलिड्स पर बहुत फोर्स लगाने पर भी वो कंप्रेस होने के बजाय उनके अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं. सिंपल सी बात, समझ में आ गई बात. सब्लिमेशन किसे कहते हैं, ज़रा समझना है. वैसे आप जानते हैं सब्लिमेशन के बारे में पहले से. सब्लिमेशन में भी स्टेट चेंज होता है, और क्या स्टेट चेंज किस तरह से होता है कि एक सॉलिड है वो डायरेक्टली क्या बन जाती है, गैस. तो सॉलिड का डायरेक्टली गैस बन जाना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि सॉलिड मतलब वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड से गैस बन जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहलाते हैं सब्लिमेशन. और ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं हमारे पास सबलाइम सॉलिड्स. सबलाइम सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है. अब कौन से ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो सबलाइम सॉलिड होते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात अगर हमें की जाए, ठीक है, तो एग्जाम्पल में मिसाल के तौर पर जैसे एक तो सबसे फेमस आपके पास है कैम्फर, जिसको काफूर कहते हैं उर्दू में. काफूर देखा होगा ना, वाइट कलर का राउंड शेप का होता है, ठीक है, कपड़े वगैरह में अलमारी में रखा जाता है. और उसका मकसद क्या होता है, उसको रखा किस वजह से जाता है, ताकि वो चूहे वगैरह ना आ सकें. लेकिन उसके अंदर आपने देखा है कि वो सब्लाइम सॉलिड होता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस में होता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन के उड़ जाता है ना. रफ्तार रफ्तार मतलब ये होता है ना कि वो ये कि नहीं कि गीला कर रहा होता है कपड़ों को, वो छोटा छोटा साइज में खुद ब खुद होता रहता है और यहाँ तक गायब हो जाता है बिल्कुल. इस तरह से रूम फ्रेशनर हमारे पास आता है सॉलिड में, कार मतलब ड्राइंग रूम में रखने के लिए, या कार में रखने के लिए, टॉयलेट वगैरह में रखने के लिए होता है ना, वो भी क्या होता है अचानक से छोटा छोटा होकर गायब हो जाता है. यह पूरा सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है. इस तरह से हमारे पास कैम्फर के अलावा एग्जाम्पल हमारे पास है आयोडीन. आयोडीन भी एक सबलाइम सॉलिड है. आयोडीन वैसे होता है ग्रे सॉलिड, ग्रे कलर का सॉलिड होता है, लेकिन इसको पहले ऐसी हवा में छोड़ दो तो वायलेट कलर के फ्यूम्स निकलना शुरू हो जाते हैं उससे, जामुनी रंग के, और वो क्या होता है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है आयोडीन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है. ये कंपाउंड एक है, एलिमेंट एक है, सॉरी ये सेवन ए ग्रुप के अंदर. आयोडीन के अलावा अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्राई आइस, सूखी बर्फ. बबल को सर ड्राई आइस सूखी बर्फ कहाँ से आ गई, तो ड्राई आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब सॉलिडिफाई कर दिया जाए तो वो कहलाते हैं ड्राई आइस. बर्फ जैसा सॉलिड होता है ये, लेकिन सूखा, मतलब उसको हाथ को गीला नहीं करेगा आपके ये, ठीक है. हाँ, ठंडा किसके अंदर होती है, लेकिन ये गीला नहीं होगा, ठीक है, दैट इज ड्राई आइस. अब उसके अंदर क्या होता है कि ये होता तो सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, इतने फ्यूम्स निकलते हैं यहाँ तक कि आखिरकार वो फौरन से गैस बन के ख़त्म हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस. तो मैजिक वगैरह करते हैं ना केमिकल, उसमें दिखाते हैं ड्राई आइस, वो तो जेल होता है, वो जेल नहीं, वो चीज़ ये नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई. अच्छा, फिर एक सवाल होता है कि वाई, कि आखिरकार सब्लिमेशन का प्रोसेस होता क्यों है, क्यों ऐसे कुछ सॉलिड होते हैं कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जा रहे हैं. बर्फ़ के साथ तो ऐसे नहीं होता, बर्फ़ तो पहले लिक्विड बनेगा फिर गैस बनेगा, हर चीज़ ऐसे ही होती है.
तो क्योंकि होता क्या है कि इनके अट्रैक्टिव फोर्सेज, इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं ना सब्लाइम सॉलिड के, वो बड़े वीक होते हैं। इतने वीक होते हैं इन सॉलिड्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कि जिस थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो डायरेक्ट थोड़ी सी एनर्जी लेकर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में गए। तो इसके वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वजह हैं, रीजंस हैं सब्लिमेशन के, सब्लाइम सॉलिड के प्रेजेंस उसके। बस समझ में आ गई। देखो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस, क्या फ़र्क है क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में। सॉलिड्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, उसमें से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, एक अमरफस सॉलिड है। उनके बीच के डिटेल में हम उनके जो है वो डिफरेंसेस को, उनके फ़र्क को जानेंगे। तो पहले इजी फ़र्क आएंगे जो कॉमन ऑब्जर्वेशन के, फिर थोड़े डिटेल्ड भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स आपको बताना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन सी हैं। एग्जाम्पल्स के लिए पहली चीज़ तो दे हैव शार्प एजेस, सेकंड पॉइंट समझ में आना चाहिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अपने शार्प एजेस की वजह से पहचाने जाते हैं। नोकदार किनारे, कि आप उनको अपने हाथ में रखो कि जब तो गड़ेगा आपका, वो हाथ में जब अपने दबाओगे ना उसको तो फिर वो गड़ेगा, तो वो शार्प एजेस हैं। इनके शार्प एजेस होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और उनके शार्प एजेस नहीं होते हैं वो आपके पास जो है वो फिर क्या कहलाते हैं, वो अमरफस सॉलिड्स कहलाते हैं। ये एक सिंपल सी निशानी है, अगरचे हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होती, लागू नहीं होती। जैसे नमक की बात कर लें, नमक के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल जैसा होता है, शार्प एजेस होते हैं उसके। डायमंड की बात कर लें, डायमंड भी क्रिस्टल होता है, उसके भी शार्प एजेस होते हैं। आयरन की बात करें, लोहा भी क्रिस्टल होता है, उसके भी शार्प एजेस होते हैं। ग्रेफाइट की बात कर लें, पेंसिल के नोक, उसके भी शार्प एजेस होते हैं। वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अगर हम अमरफस सॉलिड की बात करें, उसमें प्लास्टिक है हमारे पास, सॉफ्ट सा होता है। इस तरह से कोल की बात कर लें, कोयला, उसके भी शार्प एजेस नहीं दिखेंगे आपको। रबर की बात करें, रबर के भी नहीं होते हैं। वुड की बात करें, लकड़ी की बात कर लें, वो भी जो है वो उस तरह से नुकीला जैसा नहीं होता। नेक्स्ट आती है बात ग्लास, ये एक मसला यहाँ पर आता है ग्लास के बारे में कि ग्लास जो है वो खुद जो है वो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत सारे बच्चे इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड समझते हैं, शीशे को, शीशा क्रिस्टल जैसा लगता है ना, लेकिन शीशा जो है वो क्रिस्टल जैसा लगता है और शीशे के शार्प एजेस भी होते हैं कि ना, नोकदार किनारे होते हैं उसके बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ग्लास जो है, याद रखिएगा, ग्लास अमरफस सॉलिड होता है, उसकी वजह क्या है। ग्लास को एक चीज़ तो हम कहते हैं, ग्लास इज़ अ सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो मतलब होता है पी साइलेंट होता है उसका, सूडो मतलब होता है फेक सॉलिड, झूठा सॉलिड या फॉल्स। जैसे कहते ना सूडोपोडिया, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, द फेक लेग्स ऑफ अमीबा। अमीबा के टांगे होते हैं लेकिन उससे चलता है, जिससे उसको सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो सूडो सॉलिड मतलब एक फेक सॉलिड, झूठा सॉलिड, चूँकि ये लिक्विड और सॉलिड के बीच की चीज़ है जो ग्लास है। तो ये ग्लास के अंदर प्रॉपर्टी टू फ्लो है कि ग्लास के जो चीज़ें बनी होती, ग्लास के जो शोकेस के डोट्स बने होते हैं, 10-15 साल के बाद क्या होता है, ऊपर से पतला नीचे से मोटा हो जाता है वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वर्नियर कैलिपर से आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ग्लास ऊपर से नीचे तक बहता है, स्लो बहता है, लेकिन बहता है। तो बहने की सलाहियत तो नहीं है उसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर, इसलिए सॉलिड को सूडो सॉलिड कहा जाता है केमिस्ट्री में, साइंस में। सूडो सॉलिड मतलब ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की चीज़ है, इसलिए इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इसके पीछे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, ग्लास आपको पता है ग्लास से बनाया जाता है रेत की मदद से, सैंड की मदद से ग्लास को हम बनाते हैं। रेत से बना, रेत को पिघला कर बनाया जाता है। तब रेत को, हाँ यस, हाई टेम्परेचर पर जब रेत को हम पिघलाते हैं, तो पिघलाने के बाद क्या होता है, रेड टाइप का वो हो जाता है, रेड टाइप का हो जाता है। उसके पास हमारे पास एक पाइप होती है नलकी फूकने वाली, और उसके आगे जो है वो डाई लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर जो है वो शीशे का जो मेल्टेड वो है सैंड है, उसको डालने के बाद फूकते हैं। जब ज़ोर से फूकते हैं तो क्या होता है, फूलता है, फिर वो बबल जैसा फूलता है। उसके बाद उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वो ग्लास की सुरख तैयार कर लेता है। वो कोई भी चीज़ है जो आपने फूका है, जिस तरह से, जिस डाई के अंदर, उस शेप का वो बन जाता है। इस तरह से शीशा या ग्लास बनाया जाता है। शीशा एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है जो कि इंडस्ट्री में बनाया जाता है। शीशा नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, ठीक है। तो शीशा में क्या करते हैं कि पहले तो उसको हम हीट करते हैं, मॉलिक्यूल्स आगे पीछे हो जाते हैं, फिर फौरन से क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को फिक्स पैटर्न में अरेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इधर उधर बेतरतीब जहाँ होते हैं वहीं पर वो जो है वो सॉलिड हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि शीशा एक फिक्स शेप, शीशा जो है उसे आर पार देखने में वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, तो उसका शेप फिक्स ही नहीं हो पाता कोई कि वो ओपेक बन सके, इसलिए शीशे के आर पर आप देख पाते हो, ये वजह होती है। बस समझ आ रही है। तो इसलिए शीशे को सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। सुपर कूल लिक्विड इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कूल कर दिया जाता है इसमें, जो सॉलिड होता है उसको बहुत, जो मेल्ट करने के बाद बहुत तेज़ी से कूल करते हैं, इसलिए हम उसको सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। तो सारे एग्जाम्पल समझ में आती है। ग्लास में आकर बच्चे एमसीक्यूज में फंस जाते हैं, ग्लास में वो उसको क्रिस्टलाइन लिख देते हैं इसको। तो याद रखें ग्लास जो है वो अमरफस है, रीजंस मैंने बता दिए क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं तो शार्प एजेस का मतलब भी समझ में आ गया कि इसके शार्प एजेस हैं,
और क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनके शार्प एजेस नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं क्या, पार्टिकल्स जो हैं वो एक यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं। कोई भी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न होगा उसमें पार्टिकल्स अरेंज होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम नमक की बात कर लें, नमक इस तरह से क्यूबिकल क्रिस्टल होगा, यूं करके ऐसा जो करे क्यूब जैसा होगा। ये इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, एक यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके अंदर सोडियम और क्लोरीन इस तरह से, जैसे सोडियम इस तरह से अटैच हो जाएंगे और क्लोरीन को ग्रीन कलर से अगर हम शो करें तो इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न निकलेगा इनके बीच में। तो इस पैटर्न में Na और Cl अटैच हो जाते हैं फिक्स लोकेशंस पर, एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना लेते हैं, इसलिए हम उसको क्रिस्टल कहते हैं। नमक को, नमक के क्यूबिकल क्रिस्टल होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन यही अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो उनका कोई यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता, रैंडम पैटर्न में अरेंज होते हैं। रैंडम मतलब बेतरतीब तरह से होते हैं। जैसे आपने 9 क्लास में पढ़ा था ना वो एलेट्रोप्स ऑफ सल्फर के अंदर, तो सल्फर में आपने एक एलेट्रोप पढ़ा था उसका, दैट इज़ कौन सा था वो, तो आपने सल्फर के 3 एलेट्रोप पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा सल्फर, जिसमें से गामा सल्फर जो था उसके बारे में कहते थे कि भाई वो अमॉर्फस एलेट्रोप ऑफ सल्फर है, थर्ड वाला, प्लास्टिक सल्फर भी कहते थे उसको, ठीक है। तो वो सल्फर उसमें डायग्राम ऐसी बनी हुई थी, अरेंज अगर करो तो बेतरतीब ऐसे एस एस बहुत सारे एस एस करके लगे हुए थे आड़ा तिरछे। तो उसका मतलब ये होता है कि सल्फर का कोई शेप नहीं होता प्लास्टिक सल्फर के अंदर, अमॉर्फस का कोई पैटर्न नहीं होता जैसे कि नमक का पैटर्न है। सिंपल बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स हो गए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, फिक्स टेम्परेचर पर सारे के सारे पिघल जाते हैं। मिसाल के तौर पर नमक की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट NaCl। जैसे ही 800 डिग्री पर पहुंचेगा वैसे ही नमक क्या होता है, मेल्ट होना शुरू जाता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। 800-801 डिग्री पर पूरा मेल्ट हो जाएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प से मुराद यहाँ नोकदार नहीं है, यहाँ पर शार्प से मुराद है फिक्स या एग्जैक्ट। कहते हैं ना भाई क्लास में शार्प 9 बजे आ जाना, कम टू माई क्लास शार्प एट 9 o'clock। तो शार्प का मतलब यहाँ पर क्या है, शार्प का मतलब नोकदार नहीं है, शार्प का मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट फिक्स। बोलते हैं ना भाई शार्प 6 बजे ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है। लेकिन जो है वो अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। जैसे ये मार्कर एक अमॉर्फस सॉलिड है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि 200 डिग्री से लेकर 400 डिग्री के बीच में कहीं पे भी मेल्ट हो जाएगा ये। जैसे है ना इसको अगर हम हीट करेंगे, हीट करने पर ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिक्विड, पहले पिघलेगा है ना, पहले ये सॉफ्ट पड़ेगा, सॉफ्ट होने के बाद फिर आखिरकार पिघलना इस तरह से करके शुरू होगा। तो एक आराम आराम से मेल्टिंग, मतलब इसके एक रेंज होती है, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता, किसी भी टेम्परेचर पे उस रेंज के बीच में मेल्ट हो जाता है। लेकिन क्रिस्टल्स के हमेशा एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प टेम्परेचर पे जाकर ये मेल्ट होते हैं, फिक्स टेम्परेचर पे, प्लास्टिक नहीं, उससे पहले नहीं होंगे। जैसे नमक के 700, अगर वो 800 डिग्री है ना, 790 पे भी नहीं होगा, वो कुछ लिखेगा नहीं, कुछ हो रहा है, 798 पे भी नहीं लगेगा। मेल्टिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल किया है ना आप लोगों ने, अभी फर्स्ट टाइम आप लोग करोगे ऑक्सैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे, 101 डिग्री पे उसका आता है, तो 101 पे डायरेक्ट आएगा ना, 100 पे भी नहीं आएगा, 99 पे भी नहीं आएगा, 101 होगा, मेल्ट पूरा हो जाएगा, आप आग बंद करोगे और खोलोगे मेल्ट हो गया, इतने तेज़ी से वो मेल्ट हो जाता है, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट है उसकी। इसलिए फ़ौरन से देखते रहना पड़ता है कि अगर थोड़ा सा आगे 1-2 डिग्री चला गया तो कट जाता है पेपर में, कि इतना ही डिग्री आंसर आना चाहिए, मतलब फिक्स होती है ना मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। पाँचवा, दे आर सिमेट्रिकल, ये होते हैं सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, सिमेट्रिकल और ये असिमेट्रिकल होता है, नॉन सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, सिमेट्रिकल मतलब कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसको बीच से काटे तो राइट लेफ्ट बराबर आ जाए। जैसे स्क्वायर के बारे में कहा जाता है कि स्क्वायर इज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, वाई, स्क्वायर को बीच से काटो जो राइट में है वही लेफ्ट में। ह्यूमन बीइंग, इंसान, इंसान को अल्लाह ताला ने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाया, इंसान को अगर आप बीच से काट दोगे तो जो राइट में होगा वही लेफ्ट में होगा, बशर्ती का कोई डिफॉर्मिटी ना हो, कोई अबनॉर्मलिटी ना हो बॉडी के अंदर, वरना जो राइट में है अल्लाह ने वही लेफ्ट में बिल्कुल वैसे ही बनाया, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब बायोलॉजिकल सिमेट्री, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं मेडिकल के, वो उसको फाइलम जब पढ़ेंगे ना, उसके अंदर फाइलम में पढ़ते हैं भी ये सिमेट्री, अलग अलग फाइलम की अलग अलग सिमेट्री होती है, ठीक है। तो सिमेट्री मतलब बीच से कट करने पर राइट और लेफ्ट बराबर हो जाए, तो इन दैट केस जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ताजमहल, ताजमहल जो बनाया था शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए, वो भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसको भी तुम बीच से काट दोगे तो राइट में है वही लेफ्ट में, मतलब जितना जितने फासले पर जो मीनार है बिल्कुल राइट में बिल्कुल लेफ्ट में उतना ही मिलता है, तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है।
ताजमहल बनवाया था, मतलब उसने ना, मतलब शाहजहाँ मुग़ल बादशाह था, उसने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनाया, कह रहा था मोहब्बत की निशानी आगरा में मौजूद है, कि उसको अपनी वाइफ से बड़ी मोहब्बत थी जिसकी वजह से उसने ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। तो ताजमहल, तो मुमताज़ महल उनकी वाइफ थी, इतनी मोहब्बत थी उनको कि अपनी वाइफ से कि मुमताज़ महल के मरने के बाद शाहजहाँ ने 4 शादियाँ और की। सही है। तो ये ऐसे मैं रियल बता रहा हूँ, कोई फेक बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब लोग ऐसे झूठ मूठ कहते हैं मोहब्बत की निशानी है, कहाँ की मोहब्बत की निशानी है। तो जब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल की, आज सिमेट्रिकल की, तो ये सिमेट्रिक, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्रिकल होते हैं कि क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, नमक के क्रिस्टल है, बीच से काटेंगे तो राइट लेफ्ट बराबर जाएगा, लेकिन उसको अगर तुम बीच से काटो तो राइट लेफ्ट बराबर नहीं होगा। सही है। नेक्स्ट है छठा, दे कैन बी कट थ्रू क्लीन क्लेवेज प्लेन। आपको अगर क्रिस्टल को काटना है तो आप उसको क्लेवेज प्लेन से काट कर सकते हो। क्लेवेज एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्रिस्टल्स को यूनिफॉर्म शेप में काटते हैं। जैसे आपने डायमंड देखा होगा कभी, ये डायमंड देखें, इस तरह से बनाते हैं ना। तो डायमंड की जब हम बात करते हैं, हीरे की बात करें, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एवर नोन। सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको मिलता है दुनिया में, दैट इज डायमंड, वो डायमंड होता है, ठीक है। तो यस, नहीं ग्रेफाइट तो बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब पेंसिल के नोके ग्रेफाइट है, वो कहाँ इतनी हार्ड है। तो जब हम डायमंड की बात करें, डायमंड हद से ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्ड है। तो डायमंड को काटना इतना आसान नहीं है, ना उसको तोड़ना आसान है। आप डायमंड रख लो, हथौड़ी मारते रहो, कुछ नहीं होगा डायमंड, ठीक है। इतना सख्त होता है ये, डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है उसकी। और डायमंड को काटते हैं, आपको पता है डायमंड कट्स डायमंड, हीरे को हीरे ही काटता है। अच्छा, हीरे को हीरा भी हर एंगल से नहीं काट सकता, आप हीरे को ऐसे नहीं काट सकते, आप हीरे को ऐसे नहीं काट सकते, मुमकिन नहीं है। हीरे को क्रॉस में 45 डिग्री पे काटा जाता है, ये इसका क्लेवेज प्लेन होता है। इधर ये 45 डिग्री कट लग रहा है, ये 45 डिग्री कट लग रहा है, ये 45 डिग्री कट लग रहा है, ये 45 डिग्री, तभी ऐसा शेप आता है, ठीक है। तो एक खास एंगल पर क्या होता है कि जो है वो डायमंड को कट किया जाता है, डायमंड हर एंगल, और जिस और इस एंगल पर कट करोगे डायमंड केक की तरह कट जाएगा, बिल्कुल देखा ना, डायमंड आराम से कट जाएगा, जैसे कि बिल्कुल लग रहा है कि तुमको प्लास्टिक या रबर को कट कर रहे हो। तो यही कहलाता है क्लेवेज प्लेन। हर एक क्रिस्टल का क्लेवेज प्लेन होता है, वहीं से कटता है, हर जगह से नहीं कट सकता वो, मतलब तो उसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि उसको एक ही जगह से काटा जा सकता है, स्ट्रक्चर की वजह से। हाँ, उसको कुछ जगह पर मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, कुछ जगह दूर दूर होते हैं, तो 45 डिग्री पर मॉलिक्यूल्स की कमी होती है, तो वहाँ से उसको कट कर दिया जाता है, इस तरह से कह सकते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसका। अब यही अगर हम बात करें अमरफा सॉलिड की, इसमें कोई क्लेवेज प्लेन नहीं होता। जैसे रबर ले लो, रबर को जहाँ से मर्जी वहाँ से काट दो, रबर है ना, कहीं से भी काट दो, इधर काट दो, इधर काट दो, इधर काट दो, हर जगह से कट जाएगा, ठीक है। तो क्लेवेज प्लेन नहीं होता उसके अंदर। नेक्स्ट, उसके बाद सातवें, दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखो, एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर एक्सिस में अलग अलग होते हैं, जबकि वो आइसोट्रोपिक होते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक्सिस में सेम होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ग्रेफाइट की मिसाल ले लें, ग्रेफाइट आप जानते हैं पेंसिल की नोक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स रबिंग दिस थिंग बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटन इट। तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं पेंसिल की नोक ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में 9 क्लास में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। हेक्सागोनल मतलब 6 कोना, देखा होगा आपने ऐसे डायग्राम ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। अब इसमें हर किनारे पर, हर एक वर्टेक्स पर कार्बन का एक एटम मौजूद है। तो यहाँ पर हर मैं कार्बन के एटम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो 6 कार्बन एक एटम हर एक जो है रिंग में मौजूद है। ये सब एक ब्लैक कलर से, जैसे मैं कार्बन बना रहा, मैं लिख नहीं रहा सी, आप इसको समझ जाएं कि ऑल दीज आर एक्चुअली कार्बन एटम्स। ठीक है, अब हर कार्बन की बात जब हम कर लें, तो ये क्या होता है, 6 कार्बन मिलकर एक रिंग बनाते हैं, एक रिंग बन रही है। इस रिंग को हम लोग कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ हेक्सागोनल रिंग,
हेक्सागोन होता है ना छः कोने वाली, और इससे पूरी लेयर बन जा रही है, ये लेयर्स कहलाती हैं हेक्सागोनल लेयर्स। और ये एक लेयर चल रही है, फिर दूसरी लेयर चल रही होती है, फिर दोनों लेयर्स के बीच में एक डिस्टेंस होता है, मतलब ये लेयर्स है ना देखो, उस लेयर्स के बीच में डिस्टेंस है, एक लेयर ऊपर जा रही है, एक लेयर नीचे जा रही है, वो डिस्टेंस 3.35 एंगस्ट्रॉम, इतना डिस्टेंस इसके बीच में होता है दो लेयर्स के बीच में। अब हर कार्बन आपको पता है चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होते हैं, हर कार्बन ने यहाँ तीन बॉन्ड बनाया होता है। देखो आप देख सकते हो कि हर कार्बन का आपको यहाँ पर तीन बॉन्ड दिख जा रहा है, सही है, तीन तीन बॉन्ड सब कार्बन के दिख रहे हैं, कार्बन तीन तीन डंडियाँ लगी हुई हर कार्बन के साथ, चार बॉन्ड बनाता है, उसका मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन खाली चला गया, हर एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के खाली है, दिख रहा है सबको, एक इलेक्ट्रॉन खाली, ये सेम मैटर यहाँ पे भी होगा, समझ रहे हो। तो ये सारे ग्रीन कलर के डॉट्स जो मैं लगा रहा हूँ दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ग्रीन डॉट्स हैं दे आर एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कंडक्टिविटी होती है, इस वजह से क्या होता है ग्रेफाइट करंट को पास करते हैं, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे पेंसिल के नोक उससे करंट पास हो जाएगा, ठीक है, डायमंड से नहीं होता, वो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है, चूंकि उसमें चार इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर अच्छा अब ये चीज़ है, अब इससे क्या होता है करंट पास कर सकते हैं हम आराम से, लेकिन ये कलर पर, ये जो करंट पास होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं होगा, पैरेलल टू द प्लेन होगा, मतलब एक्स एक्सिस में पास होगा वाई एक्सिस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि करंट पास करने के लिए सारे जो इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं वो स्ट्रेट एक्स एक्सिस में लगे हुए ना, अगर वाई एक्सिस में जाएंगे तो बीच में तो गैप आ गया, इसका मतलब एक्स एक्सिस में तो ये कंडक्टर है, वाई एक्सिस में इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, क्योंकि वाई एक्सिस में करंट पास कैसे करोगे, इससे पास ही नहीं होगा करंट, बीच में होल आ गया ना, चिपके में थोड़ी ना एक दूसरे के साथ, ये बीच में जो है वो स्पेस है, तभी ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होते हैं, आराम से दबाया जा सकता है इसको। हाँ बोलो, नहीं अब इसको हम इस तरह से नहीं समझेंगे, मैं कुछ और बता रहा हूँ, देखो इस तरह से, देखो समझो, मैं बता रहा हूँ किस तरह से समझो, ये पेंसिल है, पहली बात तो इससे पेंसिल, इस पेंसिल से करंट पास कभी भी नहीं होगा, पीछे लकड़ी मौजूद है इसमें, जब ये ऊपर है ना खाब आ जाते हैं बच्चे उसको, तब करंट पास हो जाएगा फिर इसमें, ठीक है, अभी तो करंट पास इसमें से नहीं होगा, बट फिर इस साइड से समझ लेते हैं कि इसे पास हो जाए। अब ये जो है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो, देखो इससे करंट पास होगा तो, लेकिन कम करंट पास होगा, अगर आप पेंसिल को लेकर स्विच बोर्ड पर लगाएंगे भी ना तो आपको करंट बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा करंट लगेगा, वजह क्या है पता है, यही अगर आप कॉपर ले लो, कॉपर कॉपर का तार ले लो, उसको अगर डाल दो इस तरह से कॉपर का तार छील के, तो बहुत तेज करंट लगेगा आपको, चिपक जाएगा इंसान, ठीक है, लेकिन इससे नहीं लगेगा, वजह क्या है, कॉपर हर एक्सिस से करंट पास कर रहा है, एक्स वाई सब वाई जेड सब एक्सिस से, लेकिन ग्रेफाइट सिर्फ एक एक्सिस से करंट पास कर रहा है, इसलिए करंट तो पास हो रहा है लेकिन स्लो करंट पास हो रहा है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसी वजह से इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, पकड़ो उधर मैं बताता हूँ, इसी ग्रेफाइट को क्या करो, इसी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जैसे पेंसिल के नोक है उसके ऊपर आपने क्या किया कि आपने जो है वो सेलो टेप, सेलो टेप मतलब लाइक पानी टेप, स्क्वाश टेप, वो चिपका दिया, उसके उसको खींच के निकाल दो, तो क्या होगा इस जो है वो उस पर एक इंप्रेशन आ जाएगा टेप के ऊपर, है ना, एक ब्लैक ब्लैक पाउडर्स जैसे आ जाएंगे, मतलब एक लेयर उखड़ जाती है उससे, उससे एक लेयर उखड़ जाती है, जैसे एक लेयर ये वाली लेयर उखड़ गई, सिर्फ इस एक लेयर को, एक लेयर जो लंबी सुखड़ेगी उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड नॉट ग्राफाइट, इसको हम ग्रेफीन कहते हैं, यस दैट इज कॉल्ड ग्रेफीन, इस एक लेयर को ग्रेफीन कहा जाता है, इस ग्रेफीन से फिर हम क्या काम लेते हैं, इस ग्रेफीन से, यस हम इस ग्रेफीन से जो है वो मोबाइल फ़ोन की वायरिंग करते हैं, मोबाइल फ़ोन है ना जिससे, यही ग्रेफीन इसी के से हम नैनो ट्यूब्स बनाते हैं, और यही ग्रेफीन जो है वो रूट है नैनो टेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी से क्या चीज़ है कि बड़े बड़े चीज़ों को हम जो है वो छोटे से चीज़ में मतलब जेब में हम उसको रख लें, जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर हैं उनको जेब पे रख दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, और उन सब की शुरुआत इस ग्रेफीन ने की थी, चूँकि हमें चाहिए था पतला तार वायरिंग करने के लिए, तो नॉर्मल से वायरिंग का तार जितना पतला होगा उतना ज़्यादा जो है वो कॉम्पैक्ट हो सकेगा डिवाइस, तो ये जो ग्राफीन की जो तार होते हैं ना ये माइक्रोस्कोपिक तार होती है, इतनी बारीक होती है कि माइक्रोस्कोप से दिखने में नज़र आती है, और उस वायर उससे क्या होता है आपके स्मार्टफोन्स की वायरिंग की गई होती है, उसको खोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, इस वजह से क्या होता है अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन आपके हाथ से गिर गया, आपने जैसे जो है आईफोन 11 प्रो लिया, ठीक है, और आपके हाथ से गिर गया और आप जिंदा भी बच गए, हार्ट अटैक नहीं हो सका, तो आपके हाथ से जब वो गिर गया तो गिरने पर लेट्स से कि उसके अंदर 100 रुपये की कोई चिप लगी हुई थी छोटी सी, वो ख़राब हो गई, 100 रुपये की चिप ख़राब हो गई, चलो वो तो आईफोन तो यहाँ पे होता भी नहीं, पैनल भी नहीं मिलेगा, सैमसंग गैलेक्सी की बात कर लेते हैं, S10 की बात कर लेते हैं, S10 किसी ने अपना गिरा दिया, S10 Plus, अब S10 Plus किसी ने गिरा दिया अपना, तो उसके अंदर 100 रुपये की एक चिप ख़राब हो गई, अब वो चिप ख़राब हो गई तो उसको दुकान वाले के पास लेने के लिए जाएंगे कि भाई ये देखिए ख़राब हो गया, क्या हो गया, देखिए
अब वो देखेगा पहले तो डायरेक्ट तो दो तीन चीज़ चेक करेगा ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर फ़ौरन से बोलेगा पैनल चेंज हो गया इसका। अगर आपने जो है 50,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा तो बोलेगा 45,000 रुपये का पैनल है सर। ऐसे ही होता है ना, मोबाइल ख़रीदा 15,000 रुपये का, पैनल आ रहा है 14,000 रुपये का, भाई रख लो वरना। अब आप परेशान ये क्या चक्कर यार, थोड़ा सा गिरा है हल्का सा और इतना लंबा खर्चा, वजह क्या उसमें हुआ भाई, 100 रुपये का चीज़ ख़राब है, ये क्या होता है वो भी ख़राब ना हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ग्राफीन की वायरिंग कर सके। तो अब उसके पास तो दूसरा कोई हल ही नहीं है, तो वो पूरा बोर्ड चेंज कर देगा, तो कुछ जो भी खरीदी होगी वो सही हो जाएगी। बट वो ये महारत नहीं है, ये भी एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ठीक। हाँ ये तो बहुत ईजी है ना इसके अंदर, लेकिन महारत तो तब हो जब आप उसकी वायरिंग सही कर सको। तो जब आप जब आपके सैमसंग गैलेक्सी भी आपके 300-400 में बन जाए, लेकिन वह ऐसी बात है उसके लिए मशीन बहुत चाहिए, बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइनिंग की गई होती है, ग्राफिन की वायरिंग की गई होती है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा नामुमकिन ऐसा करना ठीक है। तो दैट्स वाई, तो ये वजह। लेकिन फंकारी तो ऐसा कर रहे होते हैं बिल्कुल के बस हमें सब कुछ आता है, ए टू जेड आता है, मतलब हम तो यूँ करके सही कर देंगे ऐसे ही होता है ना मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर नॉर्मली। तो रिकॉर्डेड हो चुकी है ये चीज़, मसला नहीं है, समझ में आ गई बात, सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आइसोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं, एनिसोट्रॉपिक तो समझ में आ गया कि हर एक्सिस पे अलग अलग वैल्यूज है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट की एक्स एक्सिस पे तो है, वाई एक्सिस पे नहीं है। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, तो हर एक्सिस पर सेम वैल्यूज होती हैं, मतलब एक्स में करंट पास, जैसे रबर की बात कर लो, रबर में से एक्स में करंट पास कर लो, वाई में करंट पास कर लो, किसी में करंट पास नहीं होगा, हर एक्सिस पर सेम प्रॉपर्टी दे रहे हैं अपनी वो। अरे बस उसमें